अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दूसरा फ्लावर करके दिखाऊंगी। आपने पहला फ्लावर देखा ही होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने लीफ का ट्यूटोरियल और फ्लावर का ट्यूटोरियल बता रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, अगर आप यहाँ से भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे आप मेरे चैनल पर जाएँगे, मेरे वीडियोज़ वगैरह में जाएँगे तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी जो आप को जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी हर डिज़ाइन। तो यहाँ पे हमने आपको एक फ्लावर करके दिखा दिया था जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा। अब ये मैं दूसरा फ्लावर बनाऊँगी, ये दूसरा फ्लावर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, कलर भी बहुत अच्छा है तो आप ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर हमने गोल्डन येलो लिया हुआ है, 3 नंबर का फ्लैट ब्रश लिया हुआ है, 3 नंबर का फ्लैट ब्रश लिया हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसी से जो है हम अपने कलर को जो है फिल कर रहे हैं। जैसा हमने फ्लावर बना रखा है, जो पेटल्स हमारी है उसका शेप जो है देते हुए हम उसकी फिनिशिंग करते हुए बाहर की तरफ से फिनिशिंग करेंगे और अंदर कलर को फिल कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारी आउटलाइनिंग है उसके उसको मतलब आउटलाइनिंग करते हुए ब्रश से उसको फिल करेंगे, एक एक पेटल्स को फिल करेंगे। देखिए इस तरह से, और इस तरह से फिल करने के बाद हमें जो इसमें शर्ट डालना रहेगा वो डालेंगे। तो पहले हम एक साथ 2-3 लीफ फिल कर लेते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली बार करते हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, अगर आपको पेंटिंग करने की ज़रा से भी आदत नहीं है तो आप जो है एक एक पंखुड़ी जो है बनाएं और फिर उसके बाद उसमें शर्ट डालें। तो यहाँ पर हमने 3 ऊपर की जो पेटल्स थी उसको हमने फिल कर लिया है, ये चौथी भी हमने यहाँ पे फिल कर लेना है। बहुत ही सिंपल और इजी फ्लावर मैंने आपको बताया है, सूट वगैरह पे आप ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा फ्लावर है, सूट पे आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। लीफ भी आप ये डाल सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। मैंने वीडियोज़ आप किसी पहले वीडियोज़ देखेंगे तो आपको लीफ का ट्यूटोरियल उसमें मिल जाएगा, लीफ आप जो है बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो चार पेटल्स जो हमने हैं, चार पंखुड़ी जो थी वो हमने फिल कर ली है। अब यहाँ से हम डार्क शेड डालेंगे। डार्क शेड में देखिए हम यहाँ पे ऑरेंज शेड डाल रहे हैं, आप चाहें तो ऑरेंज शेड डालने के बाद नीचे से आप रेड का भी शेड डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। डार्क शेड में अगर चाहते हैं फ्लावर तो यहाँ पे रेड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप वो गोल्डन येलो में डायरेक्ट रेड शेड डालते हैं ना तो वो जो आपका शेड रहेगा उतना उसका उतना अच्छा लुक नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गोल्डन येलो पे ऑरेंज शेड देना है जिससे हमारे कलर्स का लुक बहुत ही अच्छा आता है। और उसके बाद अगर थोड़ी सी उसमें डार्कनेस आपको चाहिए तो उसमें आप रेड कलर का भी थोड़ा सा शेड मिला सकते हैं ऑरेंज के साथ, तो आपका जो फ्लावर का लुक रहेगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर गोल्डन येलो सिर्फ रेड का शेड देना चाहेंगे तो वो नहीं अच्छा लगता है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, क्योंकि बनने के बाद वो अच्छा उतना अच्छा दिखता नहीं है जितना कि दिखना चाहिए। तो जब भी यूज़ करें आप ऑरेंज शेड के बाद ही रेड कलर का यूज़ करें डार्क करने के लिए, नहीं तो फिर ऑरेंज कलर ही रहने दीजिए। अगर आपको लाइट फ्लावर पसंद है तो ऑरेंज का शेड ही रहने दीजिए, अगर थोड़ा सा डार्क चाहिए तो ऑरेंज के ऊपर रेड शेड डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑरेंज शेड डाला है, वीडियो में थोड़ा डार्क भी दिखता है लेकिन आप सामने से देखेंगे तो ये थोड़ा फ्लावर जो है लाइट है। और तो इसके लिए मैं बता रही थी, सामने से अगर आप अच्छा कलर देखना चाहते हैं मतलब उसका लुक अच्छा देखना चाहते हैं तो उसमें जो है रेड कलर का थोड़ा थोड़ा करके शेड डाल सकते हैं, तो आपके जो फ्लावर का लुक है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो इसमें मैं सिर्फ ऑरेंज शेड दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो के लिए ये काफ़ी है और ये अच्छा दिख रहा है, और लाइट शेड दिख रहा है, लाइट अगर आप करना चाहते हैं तो लाइट शेड के लिए बराबर है ऑरेंज शेड। अब यहाँ से वाइट शेड देखिए मैंने किस तरह से लगाया, ऊपर वाले पेटल्स पे ऊपर की तरफ से हमने वाइट शेड लगाया, और देखिए ला के थोड़ी दूर पे हमें इसका जो कॉर्नर का शेप रहेगा वो छोड़ना रहेगा। और यहाँ पे देखिए ये वाली पेटल्स जो है हमारी नीचे तक रहेगी और ऊपर वाली थोड़ी सी हम वाइट लगा के हाईलाइट करेंगे और ये थोड़ी नीचे तक रहेगी और ये भी हमारी उसी के साथ साथ थोड़ी दूर तक यहाँ तक रहेगी। देखिए इस तरह से ये वाली पेटल्स हमने जो इसके ऊपर जो मैं कर रही हूँ इसके ऊपर जो पेटल्स है वो काफ़ी नीचे हो गए तो थोड़ा सा उसको ऊपर रखें, जैसे कि हमने पहले पेटल्स बना के आपको दिखाई है वाइट शेड लगा के, तो उस तरह से थोड़ा सा ऊपर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हमें यहाँ पे बारी बारी जो है देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑरेंज शेड डाल दूँगी तो ये
सही शेड हमारा बन गया इस तरह से। इसी तरह से हमें बनाना है, देखिए कितना इजी है इसे बनाना। और आप भी इस तरह से इजी तरीके से पेंटिंग कर सकते हैं अपने सूट वगैरह पे, ये फ्लावर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल सी डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप शेड, अगर आपको शेड समझ में आता है तो आप उसे किसी भी फ्लावर में, इजी फ्लावर में भी डाल के जो है बना सकते हैं। और हमारे चैनल से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाएं और आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको ऑनलाइन भी क्लासेस करने हैं तो आप हमारे यहाँ जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमने वीडियो में नंबर डाल रखा है, तो उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कैसे आपको क्या करना है। तो आप एक महीने में जो है पेंटिंग भी सीख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे, और एक बात का खास ख्याल रखें, जो हमारी पेटल्स दबी हैं यानी कि जो सबसे दबी हुई पेटल्स है उसको पहले करेंगे, फिर उसके ऊपर इस तरह से करके जो ऊपर की तरफ आती हैं उनको हम बारी बारी करके एक एक करके बनाएंगे। जो सबसे नीचे होती है उसको हम सबसे पहले बनाते हैं, और ड्राइंग में जो सबसे ऊपर होती है उसको सबसे पहले हम बनाते हैं। और ड्राइंग करते वक्त सबसे पहले जो ऊपर होती है उसको बनाते हैं, और जो दबी होती है उसको सबसे लास्ट में बनाते हैं। लेकिन जो जो पेटल्स हमारी पेंटिंग करने के टाइम जो सबसे नीचे दबी होती है तो हमें पेंटिंग वहीं से स्टार्ट करना है, और बाकी जो सबसे पहले बनी होती है ड्राइंग में उसको सबसे लास्ट में पेंटिंग करना होता है। इस तरह से करते हैं तो जब हम उसकी फिनिशिंग देते हैं तो हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो इन सब बातों का आप जो है ना खास ख्याल रखें ताकि आपके बनाने में भी काफ़ी आसानी हो, और आप अगर सीखना चाहते हैं तो ये सब बातों का ख्याल रखेंगे तो आपको जो है इजी तरीके से पेंटिंग करने भी आएगी। और देखिए यहाँ पे ये जो हमारी जो मैं ऑरेंज शर्ट लगा रही हूँ, यहाँ पे जो साइड में हमने अभी पेटल्स नहीं की वो ऊपर है, तो इसके लिए यहाँ पे डार्क शेड में लगा रही हूँ, जिससे जब ये इसको मैं बनाऊँगी और वाइट शेड डालूँगी तो ये हमारी जो बची हुई पेटल्स है वो ऊपर दिखेगी और ये सब दबी दिखेगी। तो जहाँ पे हमारी पेटल्स दबी रहेगी वहाँ पे हमें डार्क शेड लगाना होता है, तो हमारी फ्लावर की फिनिशिंग बरकरार रहती है और वो बहुत ही अच्छी दिखती है। देखिए इस तरह से, तो अब यहाँ से वाइट शेड हमें लगाना है क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट करना है, पेटल्स को ऊपर दिखाना है, तो यहाँ पे हम वाइट शेड लगा के इसको अच्छे से कलर को मिक्स करेंगे, ये देखिए। और ऊपर की तरफ से थोड़ा सा ऑरेंज शेड डाल सकते हैं, या तो फिर आपका दिल चाहे तो बीच में ऑरेंज शेड डाल सकते हैं, और इसको बहुत ही अच्छे से मर्ज कर देना है। लेकिन ऊपर कॉर्नर की तरफ डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो लीफ की साइड हमारी पेटल्स है बैक साइड, वहाँ पे ऑरेंज शेड डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमारा फ्लावर देखिए आप तैयार हो चुका है। अब हम एक कली बची है उसको भी दिखाते हैं, आप चाहें तो उसको रेड वगैरह जो आपको कलर चाहे वो कलर में कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वॉलेट कलर यूज़ करने वाली हूँ तो उसको वॉलेट कलर लगा के दिखाऊँगी आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं इसकी बात कर रही थी, यहाँ पे हमें ऑरेंज शेड डालना है ऊपर के साइड कॉर्नर पे, इस तरह से कॉर्नर पे हमारा जो है थोड़ा सा ऑरेंज कलर लगा के हम इसको डार्क कर देंगे। सारी पेटल्स में हमने अंदर साइड से ऑरेंज लगाया था, लेकिन ये जो पीछे मुड़ी हुई पेटल्स हमारी एक पेटल्स है, इसमें हम जो है ऊपर से ऑरेंज शेड लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ बीच में हमने ब्लैक शेड लिया, और देखिए बिल्कुल वो चांद सा शेप बना के उसमें से ऊपर की तरफ ड्राई शेड कर दिया, और इससे हमारे फ्लावर में और भी ज़्यादा खूबसूरती आ गई है, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आप देख सकते हैं।
और आप चाहें तो इसको इस तरह भी रहने दे सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इस पर थोड़े थोड़े ऊपर से डॉट भी लगा सकते हैं, जिससे फ्लावर हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। इसमें भी हमने ब्लैक शेड लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हमने नहीं किया था, तो अभी मैं इसमें भी डाल देती हूँ, देख सकते हैं आप। और इस तरह से हमारा फ्लावर जो है कंप्लीट हो चुका। इसी तरह से आप भी इजी तरीके से पेंटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं आती है तो एक फ्लावर ड्रॉ करें, उसको पेंटिंग करें। अगर आपको पेंटिंग नहीं समझ में आती है, आप भूल जाते हैं कहाँ पे कौन सा कलर लगाना है, तो वीडियो को चालू करके अपने पास रखें और डिज़ाइन बनाएं, और जैसे मैं कलर फील करती हूँ उस तरह से आप भी वो शेड लेकर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको जो है पेंटिंग करने आ जाएगी। अगर एक दो शेड नहीं बनेंगे तो आप जो उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बराबर आ जाएगा, और आपके हाथ में फिनिशिंग भी आ जाएगी और आपको पेंटिंग करने भी आ जाएगी। बस बस आपको थोड़े दिन प्रैक्टिस करना रहेगा और आपका जो हाथ की फिनिशिंग है वो बिल्कुल हो जाएगी अच्छे से, और आप भी जो है पेंटिंग करने लगेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है, अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। हमने वीडियो में नंबर डाल रखा है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें और हमारे यहाँ से क्लास करें, और इंशाल्लाह आपको एक महीने में ही पेंटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वॉलेट शेड लिया हुआ है, और यहाँ पर चार पेटल्स की हमने कली बनाई हुई है। कली में हम यहाँ पर देखिए वॉलेट शेड डाल रहे हैं। वॉलेट शेड के साथ आप मॉव कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, ये लाइट वॉलेट कलर है, तो इसमें नीचे की साइड से हम जो है मॉव कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, और ऊपर से तो वाइट का हमारा शेड रहेगा ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्लैक शेड लगा दिया है, लेकिन आप ब्लैक ना लगाएं, ब्लैक का शेड उतना खास नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं सामने से ये और भी मतलब उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जैसा कि दिखना चाहिए। जब आप ऑलेट शेड डालेंगे तो सॉरी ऑलेट के साथ मॉव कलर डालेंगे तो वो जो है बहुत ही प्यारा दिखेगा, अच्छा दिखेगा, क्योंकि लाइट और डार्क शेड में आएगा वो अच्छा दिखेगा। ब्लैक लगाने के बाद बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, तो आप ब्लैक ना डालें प्लीज़। मैंने डाला इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप ना डालें, मॉव कलर का यूज़ करें या फिर पर्पल के साथ वॉलेट का यूज़ करें। इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपका जो फ्लावर है वो अच्छा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक एक पेटल्स बनानी है और उसकी जो है फिनिशिंग देते जाना है। और इधर से मुझे पेंटिंग करने में काफ़ी उल्टा सा लग रहा है, इसके लिए जो है कली हमारी जो है ठीक तरह से बन भी नहीं रही है, आप देख सकते हैं बड़ी दिक्कत हो रही है इसको बनाने में। तो वीडियोस बनाने के टाइम जो है हम फ्रेम को ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हैं, क्योंकि जो देखने वाले हैं बिगनर्स वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से तो मैं फ्रेम जो है इधर उधर नहीं कर पाती हूँ, नहीं करती हूँ, ताकि उनको समझ में आए। तो आपको कैसी लगी हमारी पेंटिंग फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको हमारी हमने बताया आपको, वो आपको समझ में आया या नहीं ये भी ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, बताने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको भी समझ में आए और आप भी वीडियोज़ देख कर ही भी सीख पाएँ। और अगर हमसे जो है सीखना चाहते हैं ऑनलाइन होके तो भी सीख पाएँ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं छोटे छोटे डिज़ाइन जो है अपलोड करते रहती हूँ। तो शेड भी मेरे थोड़े अलग अलग से होते हैं, कुछ 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 तरह से होते हैं, कुछ कुछ तरह से होते हैं, तो आप अगर वीडियोज़ देखेंगे तो आपको बहुत सारे मतलब मिलेंगे देखने के लिए, सीखने के लिए। आप हमारी शॉर्ट वीडियोज़ भी देखेंगे जिसमें जो है एक जो चीज़ मैं सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट लोग को, वो चीज़ सब मैं शॉर्ट वीडियो में भी डालती हूँ, और अपनी फुल वीडियोज़ जो होती है डिटेल्स वीडियो उसमें भी डालती हूँ। तो आप
चैनल पे जाके सारी चीज़ें देख के सीख सकते हैं। जो लोग सीखे हैं वो भी वहाँ से देख के जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको वीडियोस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको बताया है और इंशाल्लाह आपको समझ में भी आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और कोशिश करूँगी कि मैं आपको और अच्छे से बताऊँ ताकि आप लोग जो है सीख सकें कर सकें। यहाँ पे देखिए हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है और ये प्यारी सी डिज़ाइन आप देख सकते हैं। अगर इस तरह से आप थोड़ी से अलग लुक देना चाहते हैं तो अपने हिसाब से डिज़ाइन करें और फ्लावर यही बनाएं। आपकी डिज़ाइन और सूट जिस तरह जिस पे भी आप बनाना चाहते हैं इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा सा बनेगा, क्योंकि ये डिज़ाइन फ्लावर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फिर आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।